आज हम आपको नॉनवेज कचौड़ी की रेसिपी बताएंगे जो बहुत ही क्रिस्पी लगने वाली है। तो देखिए कितनी क्रिस्पी है, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अस्सलाम वालेकुम, आज हम आपके साथ नॉनवेज कचौड़ी की रेसिपी शेयर करना चाहेंगे जो बहुत ही लाजवाब लगती है खाने में और क्रिस्पी भी बहुत बनती है। तो चलिए पहले हम स्टफिंग के इंग्रेडिएंट्स बता देते हैं। यहाँ पर हमने कुछ इंग्रेडिएंट्स पहले से ही तैयार कर रखे हैं। ये हमने 200 ग्राम कीमा रूखा और महीन लिया है, एक कटोरी चने की दाल, और यहाँ पर कुछ मसाले पिसे हुए लिए हैं, एक चम्मच ज़ीरा पाउडर, दो चम्मच सौंफ, एक चम्मच गरम मसाला, एक चम्मच पिसी हुई धनिया, एक चम्मच चाट मसाला, दो चम्मच खसखस, आधा चम्मच गोल मिर्च पाउडर, नमक टेस्ट अकॉर्डिंग लीजिएगा, दो चम्मच गरी बुरादा और दो चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और चॉप करी हुई हरी धनिया। तो चलिए हम सारे मसालों को कीमे के साथ कुकर में डाल के हम पहले बॉईल कर लेंगे। दाल और कीमा अच्छे से धो लिया है और हमने कुकर में डाल दिया है, और अब हम सारे मसाले डाल देंगे। ये बहुत ही बढ़िया बनती है, आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और ख़ासकर बच्चों को ज़रूर पसंद आएगी ये रेसिपी। अब हम इसमें करीब आधा गिलास पानी डालेंगे ताकि ये अच्छे से बॉयल हो जाए। ये देखिए हमने 2 किलो मैदा लिया है, 2 से 3 चम्मच देसी घी लिया है, नमक लिया है, आप चाहे तो ऑयल भी ले सकती हैं, बट देसी घी डालने से क्रिस्पी ज़्यादा बनती हैं। हम जब तक के डो तैयार करेंगे और दूसरी तरफ कीमा भी बॉयल हो रहा है। डो को हम ज़्यादा सॉफ्ट नहीं गूंदेंगे, हमें थोड़ा सा हार्ड रखना है वरना क्रिस्पी नहीं बनेगी, इस बात का आपको बहुत खास ध्यान रखना है। ये देखिए डो हमारा एकदम रेडी हो चुका है, कीमा भी अच्छे से बॉयल हो चुका है। अब इसका हम पानी अच्छे से जला लेंगे, खूब अच्छे से भुन जाएगा, तब हम इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए हमने इसे पीस लिया है, अब हम हरी धनिया और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। अब हम कचौड़ी बनाएंगे, हमने पानी को हाथ में अप्लाई कर दिया है, और अब हम इसे धीरे धीरे इसको फैलाएंगे और अंदर स्टफिंग भी फिल करेंगे। ये देखिए काफ़ी अच्छे से हम कवर कर देंगे ताकि ये अंदर का स्टफिंग बिल्कुल भी बाहर ना आए, और पानी लगा के हम हाथों की मदद से धीरे धीरे फैलाएंगे। दूसरी तरफ हमने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है, अब हम इसे ऑयल में ड्रॉप कर देंगे। हमने और भी 2 बना के डाल दिया था, हम ज़्यादा फुल फ्लेम पे नहीं फ्राई करेंगे, स्लो ही हमें रखना है ताकि ये क्रिस्पी बने। ये देखिए कितनी क्रिस्पी बन रही है, हमने इसे टर्न कर लिया है, बस हम इसे ही इसी तरीके से फ्राई करते रहेंगे स्लो फ्लेम में। आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब कचौड़ियाँ कुछ ब्राउन हो चुकी हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे, और जो नहीं ब्राउन हुई है अभी हम इसे फ्राई करेंगे। तो देखिए हमारी नॉनवेज कचौड़ी एकदम तैयार हो चुकी है क्रिस्पी होकर, आप खाइए, मेहमानों को खिलाइए। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।